हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू व्याख्या वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 के सिलेबस के बारे में, जो कि 2019 से 2020 के लिए ये है और ये सीबीएसई के द्वारा दिया जाता है सिलेबस। तो मैं इसी के बारे में बताऊंगा और मार्किंग स्कीम के बारे में भी बात करेंगे कि कितनी यूनिट जो हैं कितने मार्क्स की आएंगी। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और बताना चाहूँगा, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ रेड बटन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन अगर दिखता है तो उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके सारे नोटिफिकेशन जो है मिलते रहें फ्यूचर में सारी वीडियो के, और कोई भी जो है मिस ना हो। और यहीं पर आप जाके चैनल पर प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लास 11, 10th और अलग अलग क्लासों की जो है प्ले लिस्ट मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर क्लास 10th है, क्लास 10th, 9th और 11th है, इनकी प्ले लिस्ट पर क्लिक करके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका कोड जो है यहाँ पे दिया गया है, ये आपका 043 है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 043 कोड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि केमिस्ट्री का है। एंड इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जो हैं कितनी यूनिट जो हैं आपकी इसमें आएंगी और कितने मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा और कितने कितने मार्क्स की जो है ये यूनिट्स दी हुई हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये क्लास 11th के थ्योरी केमिस्ट्री के बारे में है 2019 से 2020 के लिए। यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 3 घंटे का होगा और टोटल जो मार्क्स का होगा वो आपका 70 मार्क्स का होगा। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे कितनी यूनिट्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 यूनिट्स हैं जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर है। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स की जो है यूनिट्स कितनी है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तो 21 मार्क्स का जो है ये यहाँ पे यूनिट्स दिया हुआ है, ये वाला, जहाँ पे आप देखेंगे तो कौन कौन सी यूनिट्स जो हैं वो 21 मार्क्स की हैं। ये यूनिट्स जो हैं, जो कि 4th यूनिट है, 5th, 6th एंड 7th जो है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड्स, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स एंड इक्विलिब्रियम जो है, ये सभी जो है आपकी 21 मार्क्स की यहाँ पे यूनिट्स दी हुई हैं। एंड स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड जो है, यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड जो कि आपकी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है ये, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जो है ये आपकी 11 मार्क्स की है यूनिट्स दोनों। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है वो आपकी थर्ड यूनिट, यूनिट थर्ड जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ जो है ये आपकी 4 मार्क्स की है, राइट। देन उसके बाद 4th, 5th, 6th एंड 7th जो है ये यूनिट जो है ये आपकी 21 मार्क्स की हैं, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर्स, मैटर गैसेस एंड लिक्विड्स, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स एंड इक्विलिब्रियम जो है ये आपके 21 मार्क्स की यूनिट है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 16 यानी 16 मार्क्स की यूनिट जो है वो कितनी दी हुई है। तो यहाँ पे 8th, 9th, 10th एंड 11th ये यूनिट जो है ये आपकी 16 मार्क्स की हैं, जिसमें आपका रेडॉक्स रिएक्शन है, हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक एलिमेंट है एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो हैं आपके 16 मार्क्स के हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे अगर हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो नेक्स्ट यूनिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी वो आपकी 18 मार्क्स की हैं, जो कि यूनिट्स जो हैं वो आपकी 12th, 13th एंड 14th, ये यूनिट जो हैं वो आपके 18 मार्क्स की हैं, जिसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हैं एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये जो है आपके 18 मार्क्स के टोटल मार्क्स जो हो जाते हैं ये आपके 70 मार्क्स हो जाते हैं, जो आपका जिसमें जितने का पेपर आएगा, राइट। तो ये आपका 11th क्लास का केमिस्ट्री का सिलेबस था, इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिएगा, जैसे कि आपके जो है मार्क्स जो है अच्छे हैं और आपको जो है ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े, आराम से आप इस एग्ज़ाम को जो है पास कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें, राइट। तो उसके नीचे आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको यूनिट वाइज भी टॉपिक्स दिए हुए हैं कि इन सभी यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे
प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, और एंड्रॉयड ऐप का जो है वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके भी लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और वेबसाइट का जो कि व्याख्याedu.in जो है वेबसाइट है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें आप देखिए और प्रिपेयर कीजिएगा। जो कि स्टूडेंट जो है अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 10th से 11th क्लास में आए हैं, तो वो जो है अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, और बताना चाहूँगा अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मैंने अपने सोशल मीडिया के लिंक भी आपको वीडियो के नीचे दिए हुए हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, IIAMKULDWP कुलदीप डालकर, या डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके, और इसी सेम आईडी से आप फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं पेज को। राइट, तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।